आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की तैयारियां भिंड जिले भर में चल रही हैं। बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो चेन स्नैचिंग एवं अन्य लूटपाट जैसी घटनाएं ना हो, बाजार में जाम ना लगे, इसके चलते भिंड पुलिस ने चाक चौंध व्यवस्था की है। बात की जाए राखी, कपड़ों, चूड़ियों एवं मिठाइयों के दुकानदारों की, तो उनका कहना है कि जो रक्षाबंधन की बिक्री होती थी वह नहीं हो रही है। कई दुकानदारों की लगाई पूंजी भी नहीं निकल पा रही है, जिसका कारण इस वर्ष आई बाढ़ और लगातार 2 वर्षों से कोरोना की मार से हर आदमी त्रस्त होने के कारण उनकी दुकानदारी नहीं हो रही है। वहीं ग्राहकों की बात की जाए तो उनका भी कहना है कि महंगाई इतनी है कि त्योहारों की जो बजट ही बिगड़ गए हैं। लेकिन भाई बहन के इस रक्षाबंधन पर्व पर अपने स्तर पर बहनों की ओर से भाइयों के लिए तैयारियां चल रही हैं। भिंड जिले में रक्षाबंधन के महापर्व पर कई जगह मेले लगते हैं तो कई जगह झूला प्रतियोगिताएँ होती हैं। रक्षाबंधन पर भाई बहन नए कपड़े पहनते हैं तो वहीं महिलाओं में मेहंदी लगाने का प्रचलन भी देखने को मिलता है। कई श्रद्धालु मंदिरों में जाकर भगवान को राखी बांधकर यह पर्व मनाते हैं तो कई समाजसेवी गरीबों के बीच पहुँच कर उनकी मदद कर रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। भिंड से खबर हरपल के लिए पीयूष पिरथरिया की खबर। हाँ खरीदी वही सब डजन वाली जो चल रही है, महंगाई तो है ही है, तो वो सारी एक सी चल रही तो ले ली है। चाइना वाली राखी नहीं, नहीं चाइना वाली, चाइना का माल चाइना जैसा, अपने भारतीय राखी भारतीय ऐसी। कितनी राखी खरीदी? वो डजन के हिसाब से चल रही तो वो डजन ही चल रहा है, तो डजन ही लिया। क्या नाम है? नेहा नरवरिया। सर दुकानदारी कुछ नहीं, ये मान लो खरीद के गरीब पैसे नहीं इकट्ठे करने में छीके आ रही है, बहुत मद्दा बिक रहा है। ये मान लो 8 रुपए की लच्छी खरीदा, 10 रुपए की 12 बेच रहे हैं। क्या क्या कारण है? क्या कारण क्या है? बाढ़ वगैरह आ गई है तो गाँव का ग्राहक बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। लॉकडाउन के लोग बागों पर पैसा नहीं है, लॉकडाउन के वजह से कमाई का साधन खत्म हो गया। लोग विभाग जो बाहर काम करते थे वो आ गए हैं, अब जा नहीं पा रहे इस वजह से। आपके जो खर्चा है दुकान का किराया वगैरह कैसे निकल रहा है? अब जो मेंटेनेंस कर रहे हैं जो पहले से था वो बहुत, और माल भी महंगा हो गया, और जो पैसा बिकता था बचता था वो भी नहीं बच रहा। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, और जो भी पुलिस हमारे पास पर्याप्त बल है उसको हमने बाजार में लगा दिया है और त्यौहार तक बराबर ड्यूटी करता रहेगा। मेरे पूरे करीब 55 आदमी बाजार में पूरी व्यवस्था में लगे हुए, उसमें चार्ली है, मोबाइल है, चौकी है और फिक्स पिकेट है, 40 सब मिला के हमने करीब 60 का बल लगाया हुआ है।